हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे 15 अगस्त 2020 एंड आई एम स्टार्टिंग इंग्लिश क्लास फॉर फोर्थ क्लास। सो फोर्थ क्लास, एज यू नो, वी आर स्टडिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक बीरबल हिट्स बैक। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था अभी तक कि जो बीरबल है अकबर राजा के 9 रत्नों में से एक है, लेकिन बहुत सारे अकबर के दरबार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो बीरबल को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो बुरे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, बीरबल को मारने की तैयारी करते हैं और एक बार्बर जो है उसको समझाते हैं, उसको लालच देते हैं कि तुम क्या करो, राजा को जाकर के कहो कि मेरे सपने में आज आपके पिताजी और दादाजी दिखे थे और उन्होंने मुझे सपने में कहा कि भाई हम यहाँ पे बहुत अकेले हैं, तो हमें साथ के लिए यहाँ पे बीरबल की ज़रूरत है। तो जब अकबर को बार-बार ये बात बताता है तो अकबर बीरबल से कहता है कि जाओ, मेरे पिताजी और दादाजी को वहाँ हेवन में तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम वहाँ जाकर उनको एंटरटेन करो। बीरबल काफ़ी समझदार था, उसको समझ में आ गया कि जो मंत्री हैं उन्होंने उसके ख़िलाफ़ चाल चली है। तो बीरबल ने समझदारी के साथ क्या किया, अपने घर के अंदर से ही एक सुरंग बाहर निकाल ली और सुरंग के मुंह पर लकड़ियों का एक ढेर लगा दिया। ठीक है, फिर क्या किया, राजा और मंत्री जब सब इकट्ठे हुए कि भाई तुम भाई हेवन में कैसे जाओगे, हेवन में जाने के लिए भाई पहले मरना पड़ेगा, है ना, तो मरने के लिए उसने क्या किया कि भाई ये लकड़ियों का ढेर जो है मैं इसके नीचे घुस जाता हूँ, तुम इसमें आग लगा देना, मैं मर जाऊँगा और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा। ऐसा ही किया गया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि नीचे से ट्यूनल बनाया हुआ है, सुरंग बनाई हुई है। बीरबल तो सुरंग से बाहर निकल गया और जो मंत्री थे उन्होंने लकड़ियों में आग लगा दी, तो उन्हें लगा कि बीरबल तो जलकर खाक हो गया होगा। 6 महीने के बाद, 6 महीने का टाइम था कि भाई 6 महीने तक आप वहाँ पे हेवन में जाओगे, तो बीरबल 6 महीने तक बाहर वन के अंदर रहा, जंगल के अंदर रहा और 6 महीने बाद फिर लौट कर वापिस आ गया। और जब वो वापस लौट कर के आया तो उसके बड़े बड़े बाल थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि बीरबल की समझदारी के बारे में, कि बीरबल कितना इंटरेस्टिंग पर्सन था, क्यों उसको इतना जाना जाता है, इस लंबी दाढ़ी और बाल के साथ महल में आने का उसका क्या रीज़न था। ठीक है, देखिए, माई लॉर्ड, योर फादर एंड ग्रैंड फादर आर हैप्पी देयर। मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे महाराज, आपके पिता और दादाजी दोनों ही हेवन में बहुत खुश हैं। बट दे टू हैव लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड्स, लेकिन उनके बाल और उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है। दैट इज वाई दे आर सैड, इस वजह से वो परेशान हैं। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, बीरबल बड़ा समझदार था, बीरबल ने सोचा कि इस बार्बर ने मुझे फंसाया है, इसको ही मैं वापस फंसाऊंगा, और आके राजा से कहा कि आपके जो दादाजी हैं और आपके जो पिताजी हैं वो तो वहाँ हेवन में परेशान हैं, उदास हैं, क्यों, क्योंकि उनके बाल और उनकी दाढ़ी बहुत ही बड़े हो गए हैं। लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड्स वाई, आस्क अकबर, अकबर ने पूछा कि बड़े बड़े बाल और दाढ़ी बड़ी क्यों हो रखी है। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे प्रभु, बिकॉज देयर इज नो बार्बर इन हेवन टू सर्व देम, क्योंकि वहाँ हेवन में कोई बार्बर ही नहीं है, कोई नाई नहीं है। दे वॉन्ट यू सेंड द रॉयल बार्बर देयर, आंसर्ड बीरबल। बीरबल ने उत्तर दिया कि उन्होंने, आपके दादाजी और पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पर आकर आपको बताऊँ कि वहाँ पे एक बार्बर की ज़रूरत है, रॉयल बार्बर की, तो आप जो अपना रॉयल बार्बर है उसको कहाँ भेज दीजिए, हेवन में भेज दीजिए। नाउ इट वॉज द बार्बर्स टर्न टू गो टू द हेवन। बीरबल तो चालाक था, है ना,
बच गया। लेकिन अब किसकी बारी थी? उस बार्बर की बारी थी जिसने बीरबल को फंसाया था। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गया। ही टोल्ड द होल प्लॉट ऑफ विक्ड मिनिस्टर टू द किंग, उन्होंने इन बदमाश मंत्रियों की सारी कहानी राजा के सामने बता दी। बार्बर ने सोचा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, है ना, तो मरने से बचने के लिए उसने सारी कहानी राजा से कह दी कि किस तरह से मंत्रियों ने मुझसे ये सपने का झूठ बुलवाया था। द मिनिस्टर एंड द बार्बर वर एट वंस अरेस्टेड एंड पुट इन टू द जेल। मंत्री और उस बार्बर को, दोनों को ही अरेस्ट किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। आया आपको मज़ा आया ये स्टोरी सुन करके? काफ़ी अच्छी स्टोरी है अकबर और बीरबल की। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप और भी कहीं आपको इनकी स्टोरीज मिलती हैं तो आप उनको रीड करिए, है ना, स्टोरी रीडिंग अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं कुछ करा देती हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए। इन अकबर्स कोर्ट देयर वर कितने ज्वेल्स थे वहाँ पे? 9 ज्वेल्स। विक्ट मिनिस्टर मेड अ प्लान टू किल बीरबल। बीरबल वॉज रेडी टू गो टू हेवन फॉर 6 मंथ्स। बीरबल सीक्रेटली कंस्ट्रक्टेड एन अंडरग्राउंड ट्यूनल। ठीक है, अकबर वॉज द सन ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं। फर्स्ट में आएगा हुमायूं, HUMAYUN, हुमायूं। दे मेड अ प्लान, PLAN प्लान। बीरबल वॉज समन टू कोर्ट। द रॉयल बार्बर एग्रीड, AGRED, एग्रीड। ही टोल्ड द होल प्लॉट ऑफ विक्ड मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आपका 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। आपको क्या करना है, आज पहले तो अपना चैप्टर रीड करना है अच्छे तरह से। ठीक है, कम से कम 2 टाइम रीड करिएगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर ए एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज पहले बुक में सॉल्व करो और फिर नोटबुक में सॉल्व करना। ठीक है, लर्न करना साथ में। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।